अभी आप लोग जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो एग्ज़ाम होगा 150 नंबर का। उसमें दो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा नंबर के आएंगे, पहला है हिंदी, दूसरा है इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश, हिंदी आएगा 25 नंबर का, इंग्लिश आएगा 25 नंबर का, मतलब दोनों आएंगे मिला के 50 नंबर के। और एग्ज़ाम कितने नंबर का है? 150 नंबर का। तो सबसे ज़्यादा मेहनत आपको इन दोनों में ही करना है, किसमें किसमें? हिंदी में और इंग्लिश में। तो आज हम लोग चालू करेंगे हिंदी। हिंदी भाषा के विकास का क्रम, सबसे पहले क्या है? संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी व हिंदीतर भाषाएं। हिंदी व हिंदीतर भाषाएं, ठीक है। संस्कृत की बात अब हम देखते हैं, संस्कृत की बात करते हैं। संस्कृत को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक है वैदिक, वैदिक संस्कृत, दूसरा है लौकिक। ठीक है, बात करें पाली जो है पल्ली शब्द से आया है, इसका मगध साम्राज्य में उदय हुआ है। किसका? पाली का। पाली जो है ये पल्ली शब्द से आया है, इसका मगध साम्राज्य में उदय हुआ है। अगर आपसे पूछा कि देश की प्रथम जन भाषा लोक भाषा कौन सी है, तो पाली है। देश की प्रथम जन भाषा लोक भाषा क्या है? पाली है। उसके बाद अब हम देखेंगे अपभ्रंश। तो अपभ्रंश के कितने प्रकार होते हैं? अपभ्रंश के 6 प्रकार होते हैं, कौन कौन से देखेंगे बाद में। उसके बाद हम बात करें किसका? हिंदी का। किसका? हिंदी का, हिंदी भाषा का विकास जन उत्पत्ति। हिंदी भाषा का विकास जन उत्पत्ति कहाँ से हुआ है बोलेगा, तो क्या आंसर लोगे? अपभ्रंश से हुआ है। कहाँ से हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी भाषा का विकास जन उत्पत्ति। अगर मैं वही बात करूँ हिंदी शब्द किसकी, हिंदी शब्द अगर मैं वही बात करूं हिंदी शब्द, हिंदी शब्द कहाँ से आया है, तो क्या आंसर लोगे? ईरान। ईरान को और क्या बोलते हैं? फारस भी बोलते हैं। क्या आंसर लोगे? ईरान। हिंदी शब्द कहाँ से आया है? ईरान से। हमारे यहाँ क्या ऐसी सिंधु नदी बहती है, तो लोग स की जगह क्या है? ह का। स की जगह ह और ध की जगह द, तो लोग सिंधु नहीं बोल पाते, हिंदू बोलते हैं। ठीक है, तो वहां क्या है? ह का और द का प्रयोग होता है। हिंदी शब्द जो है कहाँ से आया है? ईरान से आया है। आंसर लेना, पहले ये देखना कि आपसे
हिंदी भाषा पूछ रहा है कि हिंदी शब्द पूछ रहा है? अगर हिंदी शब्द बोलेगा तब ईरान लेना, हिंदी भाषा बोलेगा, जन्म विकास उत्पत्ति पूछेगा तो अपभ्रंश लेना, ठीक है? देखो अब हम क्या है ये देखते हैं। अब आपसे पूछा आर्य भाषा, प्राचीन आर्य भाषा कौन सी है? तो प्राचीन आर्य भाषा कौन सी है? ये संस्कृत प्राचीन आर्य भाषा है, ठीक है? प्राचीन आर्य भाषा, ठीक है? ये तीनों क्या है? मध्यकालीन आर्य भाषा। वैसे ये क्या है? आधुनिक आर्य भाषा। हिंदी जो है हमारी वो क्या है? आधुनिक बोल सकते हैं उसको, आधुनिक आर्य भाषा। हिंदी को क्या बोल सकते हैं? आधुनिक आर्य भाषा। अगर आपसे पूछा, अगर आपसे पूछा आधुनिक आर्य भाषा का विकास जन उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, तो भी आंसर आप क्या लोगे? अपभ्रंश लोगे, तो भी आंसर आप, ठीक है? अब हम इनका काल देखते हैं, कब से कब तक कर रहा। तो संस्कृत जो है 1500 ईसा पूर्व से, ठीक है, 500 ईसा पूर्व तक, और मध्यकालीन आर्य भाषा जो है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी तक। और आधुनिक आर्य भाषा जो है ये 1000 ईस्वी से अब तक वर्तमान तक, ठीक। अब इसको हम इसका काल देखें। वैसे तो वैदिक संस्कृत का जो काल है 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक, और लौकिक संस्कृत की बात करूं मैं, ये 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, वैसे अब किसका देख लेते हैं? अपभ्रंश का देख लेते हैं हम लोग। ये जो है अपभ्रंश जो है 100 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, ठीक है? उसके बाद हम देखेंगे अपभ्रंश के प्रकार। अपभ्रंश के कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार हैं अपभ्रंश के, हम देखेंगे। अपभ्रंश के प्रकार कितने हैं? 6 हैं। ये राजस्थान और गुजरात वाला, यहाँ क्या है? सौर सेनी। उसके बाद 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, सबको मालूम है, अविभाजित बंगाल। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, उसके पहले अविभाजित बंगाल मतलब ये पूरा क्षेत्र क्या है? ये मांगदी है।
उसके बाद हमारा छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र जो बचा, ये है अर्धमांगी। क्या है ये? अर्धमांगी। सौर सेनी और मांगदी दोनों के मेल से अर्धमांगदी बना है, लेकिन इसमें प्रभाव सबसे ज्यादा किसका है? मांगदी का। इसी कारण इसको अर्धमांगदी बोलते हैं। ये पहाड़ी वाला क्षेत्र हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, खस उसके बाद पंजाब और ये सिंध वाला क्षेत्र, ब्राचड़ उसके बाद ये महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, महाराष्ट्रियन कितने प्रकार है? छह। एक, एक दो, एक तीन, एक चार, एक पांच, एक छह। ये अपभ्रंश के प्रकार और ये हिंदी की उपभाषा और ये बोलियाँ। कौन कौन से अपभ्रंश से कौन कौन सी हिंदी की उपभाषा निकली है और कौन कौन सी उपभाषा से कौन कौन सी बोलियाँ निकली है? तो हिंदी की कितनी उपभाषा है? पांच। तो पहला, सबसे पहला हम देखेंगे सौर सैनी। इसका क्षेत्र देखेंगे कहाँ? गुजरात, राजस्थान, उसके बाद यूपी का, यूपी का बुंदेलखंड का पठार, मांगदी। कौन कौन सा क्षेत्र? अविभाजित बंगाल। इसमें अविभाजित बंगाल का मतलब पूरा बिहार उसके बाद उड़ीसा, उड़ीसा का नाम उड़ीसा हो गया मालूम है ना, उसके बाद बंगाल, उसके बाद असम। बिहार का मतलब बिहार से अलग होके झारखंड नहीं बना था। असम का मतलब उधर की पूरी सात बहनियां पूरा बोला जाता है जिसको, वो भी असम से अलग होके नहीं बना था। ठीक है, असम लिखा हो मतलब पूरा उधर की सात बहनियां। उसके बाद अर्धमांगदी, अर्धमांगदी में दो क्षेत्र आएंगे, कौन कौन से? यूपी का और छत्तीसगढ़। यूपी का दो क्षेत्र है और छत्तीसगढ़। यूपी में कौन कौन सा? अवध, और एक बघेलखंड। यूपी में अवध और बघेलखंड, छत्तीसगढ़ पूरा छत्तीसगढ़ आएगा। उसके बाद खस, खस पहाड़ी वाला क्षेत्र है, कौन कौन सा आएगा? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड।
ब्राचड़, पंजाब और सिंध। महाराष्ट्रियन, इसमें क्या आएगा? महाराष्ट्र इसका क्षेत्र। पंजाबी, उसके बाद इससे कौन कौन सी हिंदी की उपभाषा निकली है उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले सौरसेनी से पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, उसके बाद राजस्थानी और गुजराती, गुजराती, ठीक है। उसके बाद मांगदी, मांगदी की बात करते हैं तो मांगदी से क्या क्या निकला है? मांगदी से पहला निकला है बिहारी, दूसरा निकला है उड़िया, ठीक है। उसके बाद क्या निकला है? बंगाली। क्या निकला है? बंगाली। उसके बाद एक निकला है असमिया। उसके बाद मैं बात करूं किसकी? अर्धमांगदी की। अर्धमांगदी सिर्फ एक ही चीज निकला है, पूर्वी हिंदी। अर्धमांगदी से क्या निकला है? अर्धमांगदी से सिर्फ पूर्वी हिंदी निकला है। उसके बाद मैं बात करूं किसकी? खस की। खस से क्या निकला है? पहाड़ी निकला है। ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं किसकी? ब्राचड़ की। इससे दोनों, इससे निकला है पंजाबी और सिंधी। क्या क्या? पंजाबी और सिंधी, ठीक है। पंजाबी और क्या? सिंधी। उसके बाद महाराष्ट्र की बात करो तो इससे निकला है मराठी। क्या निकला है? मराठी। देखो अब हिंदी की कितनी उपभाषा है? पांच उपभाषा है हिंदी की। यहाँ पे जगह नहीं है करके नहीं लिख रहा हूँ। हिंदी की कितनी भाषा है? उपभाषा है पांच है, अपनी कॉपी में लिख लेना। हिंदी की पांच उपभाषा है। कौन कौन सी उपभाषा है पहले ये देखो। हमको क्या है? पश्चिमी हिंदी समझ आता है? आता है, ठीक। पहला ये हो गया। दूसरा राजस्थानी, राजस्थानी भी हमको थोड़ा बहुत समझ आता है। गुजराती समझ आता है? नहीं आता, तो गुजराती नहीं है, ठीक है। उसके बाद बिहारी, बिहारी भी हमको थोड़ा बहुत समझ आता है, तो तीसरा उपभाषा ये हो गया। उड़िया समझ नहीं आता, बंगाली समझ नहीं आता, असमिया समझ नहीं आता। पूर्वी हिंदी, हमको पूर्वी हिंदी पूरा समझ आता है, ठीक है। पहाड़ी, पहाड़ी भी हमको क्या है? थोड़ा बहुत समझ आता ही है। ठीक है। उसके बाद क्या है? पंजाबी और सिंधी हमको समझ नहीं आता। उसके बाद मराठी भी हमको समझ नहीं आता। तो हिंदी की पांचों भाषा कौन कौन सी है? पश्चिमी हिंदी है, राजस्थानी है, बिहारी है, पूर्वी हिंदी है, पहाड़ी है, ये चीज़। अब इससे कौन कौन सी बोलियाँ निकली हमको ये देखना है। तो इससे कौन कौन सी बोलियाँ निकली हम ये देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी कौन कौन से क्षेत्र में बोला जाता है? ठीक है। पश्चिमी हिंदी जो है हरियाणा वाले क्षेत्र में, तो वहाँ से कौन कौन सा निकला है? ठीक है। इससे कौन कौन सा निकला है हरियाणा वाले क्षेत्र में?
तो यहाँ जो निकला है हमको हरियाणवी, क्या निकला है, एक निकला है हरियाणवी, ठीक। उसके बाद निकला है क्या, खड़ी बोली, ठीक है। खड़ी बोली को और क्या बोला जाता है, कौरवी भी कहा जाता है, ये याद रखना। क्या, कौरवी, खड़ी बोली को ही बोलते हैं, ठीक। अब देखो पश्चिमी हिंदी ये वाला हो गया, उसके बाद पश्चिमी हिंदी हरियाणा, उसके बाद क्या है, यूपी है। तो यूपी में क्या क्या निकला है, ठीक है, यूपी में क्या क्या आएगा, कन्नौजी, पहला क्या, कन्नौजी, कन्नौजी के बाद ब्रजभाषा, ठीक है, ब्रजभाषा। उसके बाद बुंदेली, क्या, बुंदेली, ठीक है। यूपी से कन्नौजी, ब्रजभाषा और बुंदेली, ठीक है। उसके बाद राजस्थान, राजस्थान से चार चीज़ निकला है, ठीक है। राजस्थानी, राजस्थानी कहाँ बोला जाता है, राजस्थान में, कहाँ, राजस्थान में, ठीक, राजस्थान में। तो राजस्थान में क्या क्या है, देखो याद करने का इसको तरीका देख लो, ठीक। मेवाती, मालवी, क्या, मेवाती, ऊपर में मेवाती, नीचे मालवी, मेवाती मालवी, क्या, मेवाती मालवी, जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती मालवी, ठीक, मेवाती मालवी, जयपुरी और मारवाड़ी, ठीक है। उसके बाद बिहारी, बिहारी जो है कहाँ बोलते हैं, बिहार में बोलते हैं, तो बिहार कहाँ, बिहार में, बिहार में। तो बिहार से क्या क्या बोला जाता है बिहार में, मालूम है कि नहीं मालूम, क्या क्या बोलेंगे। सबसे पहले क्या निकलेगा, भोजपुरी, भोजपुरी, ठीक है। भोजपुरी के बाद मैथिली और मगही, मैथिली और मगही, ठीक है। बिहार से क्या क्या निकलेगा, भोजपुरी, मैथिली और मगही, ठीक। उसके बाद पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी से अपना क्या निकलेगा, पूर्वी हिंदी कहाँ कहाँ बोलते बता चुका हूँ, यूपी और एक छत्तीसगढ़ अपना, ठीक है। यूपी में दो जगह कौन कौन सा है, अवध और बघेल, ठीक है, अवध और बघेल, बघेलखंड, ठीक है। अवध कौन कौन सा, अवध वाला और बघेलखंड, ठीक है। तो अवध से क्या निकला है, अवध से निकला है अवधि, ठीक, यूपी के अवध वाले क्षेत्र में, ठीक है। वहाँ से क्या निकला है, अवधि, यूपी के बघेलखंड वाले, ठीक है, क्षेत्र में क्या निकला है, बघेली निकला है, ठीक है। वैसे हमारे छत्तीसगढ़ से क्या निकला है, छत्तीसगढ़ी, हमारे छत्तीसगढ़, हमारे छत्तीसगढ़ से क्या निकला है, छत्तीसगढ़ी,
ठीक है, अगर पूछा कि छत्तीसगढ़ी की दो बहनियाँ कौन कौन सी है, तो याद रखना कौन कौन सी, अवन और मंगेली, क्योंकि हिंदी 25 नंबर का आना है। ठीक, तो छत्तीसगढ़ ठीक है, छत्तीसगढ़ ठीक है, छत्तीसगढ़ी की दो बहनियाँ कौन कौन सी, अवन और मंगेली को बोलते हैं। ठीक, उसके अंदर पहाड़ी, पहाड़ी से जो निकला है, पहाड़ी उत्तराखंड वाले क्षेत्र में, उत्तराखंड वाले क्षेत्र में दो चीज़ें निकले, क्या क्या निकला है, कुमावनी और गढ़वाली। कौन कौन सा, कुमावनी ठीक और गढ़वाली, उसके बाद नीलों का नहीं पढ़ना है। ठीक है, जो जो छोड़ा हूँ कट किया हूँ उसका नहीं पढ़ना है अपने को, जो हमारा वर्तमान का जो हिंदी है। ठीक है, वर्तमान की जो हिंदी है, हमारा वर्तमान का हिंदी, ये जितने जो पांच भाषा जो बताया हूँ आपको मैं, ठीक है, पांच उपभाषा जो मैं आपको बताया हूँ वर्तमान के जो हिंदी है, पांच उपभाषा, ये वर्तमान का जो हिंदी है, ये पांच उपभाषा को मिला के अपनी वर्तमान की हिंदी बना है। ठीक है, वर्तमान का हिंदी जो हम बोलते हैं अभी, ये बना है। हिंदी भाषा के लिए कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, संवैधानिक प्रावधान, ठीक, हिंदी भाषा के लिए संवैधानिक प्रावधान, सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहूँगा, हिंदी जो है हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक, हिंदी हमारी राजभाषा है। क्या है, हिंदी हमारी राज भाषा है। ठीक, हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी हमारी राजभाषा कैसे है, क्यों है, ये भी देख लो। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान जब लागू हुआ था, कब, 26 जनवरी 1950 को संविधान जब लागू हुआ था, तो उस समय ये घोषणा किया गया था, ये बोला गया था कि 15 वर्ष के अंदर, कितने, 15 वर्ष के अंदर हम क्या करेंगे, इंग्लिश को हटा देंगे। किसको, इंग्लिश को, ठीक है, इंग्लिश को हटा देंगे, अंग्रेजी को हम हटा देंगे। किससे, बहुत सारे जो काम हैं जो इंग्लिश में होते थे, जैसे संविधान इंग्लिश में लिखाया गया था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का काम और बहुत सारे सरकारी काम इंग्लिश में होते हैं, तो उसको हटा देंगे। तो वो 15 वर्ष के अंदर नहीं हो पाया। ठीक, तो इसी कारण, हाँ, क्या हुआ, हिंदी को राजभाषा बना दिया गया। और भी बहुत सारे कारण हैं, ठीक है, बोला गया था कि जो कुछ कुछ राज्य हैं जो इंग्लिश ही है, हमें यानी कि परेशानी होगा काम काज के लिए, तो उस कारण भी है, तो मेन कारण अभी आप ये याद रख लो। ठीक, उसके बाद हिंदी जो हमारा क्या है, राजभाषा है। ठीक है, राष्ट्रभाषा हमारा हिंदी नहीं है। अगर ये पूछा आपसे कि कौन से भाषा को बोला गया था कि 15 वर्ष के अंदर हटा देंगे, तो वो आंसर क्या लेना, इंग्लिश। किसको बोला गया था, अंग्रेजी को। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ। हिंदी को राज भाषा का दर्जा कब मिला। ठीक, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला, 1949,
1949 में। पूरा डेट क्या है? 14 सितंबर, ठीक, 1949, ठीक है। उसके बाद ये देखो, प्रत्येक ठीक है 14 सितंबर को ठीक हिंदी हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक, कब हिंदी दिवस मनाया जाता है पूछा तो, ठीक 14 सितंबर। अगर वही बात करूं, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक 10 जनवरी, 10 जनवरी ठीक को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब देखो मूल संविधान कब, मूल संविधान, मूल संविधान ठीक है, मूल संविधान में कितने भाषा से पूछा तो, कितने 14 भाषा थे। ये मूल संविधान क्या होता है? मूल मतलब जब संविधान बना था, बना तो संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बन गया था, लेकिन संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो जब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था तो संविधान में कितने भाषा थे? मूल संविधान, ठीक है, संविधान जब लागू हुआ था उसी को बोलेंगे मूल संविधान। तो कितने भाषा थे हमारे पास? 22 भाषा थे संविधान में। और अभी वर्तमान में कितने कितने भाषा थे? 14, ठीक 14 भाषा थे जब संविधान लागू हुआ था, उसी को बोलते हैं मूल संविधान। ठीक है, अभी वर्तमान में, वर्तमान में संविधान में पूछेगा, वर्तमान में संविधान में कितनी भाषाएं पूछेगा, तो कितनी है? 22, कितने 22, 22 कितने हैं? 22 है। अब संविधान में हिंदी भाषा के लिए 3 बार संविधान संशोधन हुआ है, ठीक है, कौन कौन से संविधान संविधान संशोधन हुए आगे उसको देखेंगे। सबसे पहले हम ये जो 22 भाषा है इसको देखेंगे, कौन कौन से राज्य की भाषा है जो है, ठीक, छत्तीसगढ़ी जो भाषा है हमारी वो इसमें शामिल नहीं है इस, ठीक है, इस 22 भाषा में छत्तीसगढ़ी भाषा शामिल नहीं है, आगे हम देखेंगे अभी उसको। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे? मूल संविधान में, मूल संविधान में ठीक देखो, मूल संविधान के लिए सबसे पहले आप क्या है, भारत का मैप, अगर आप ज्योग्राफी पढ़े होंगे भूगोल तो आपको भारत का मैप याद होगा, नहीं तो नहीं याद होगा। तो भारत का मैप क्या है? याद करना ही है, कौन सा स्टेट कहाँ पर है क्या है, कोई सा भी सब्जेक्ट हो कुछ भी होगा उसमें याद करने के लिए, जीएस के लिए पूरा काम आएगा वो। ठीक, तो ये वाला क्षेत्र जो है, ठीक है, ये गुजरात हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है? गुजराती, ठीक, उसके नीचे आएंगे तो इधर क्या आता है? महाराष्ट्र आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? मराठी। ठीक है, गुजराती, गुजराती, मराठी, ठीक है। उसके बाद हम इधर जाएंगे तो गोवा आता है, गोवा को तो नहीं लेना है, कर्नाटक का है, ठीक है, और केरल का है, उसके बाद तमिलनाडु वाला है, ठीक, क्या है? कर्नाटक और केरल। ठीक, कर्नाटक में कौन सा है? कन्नड़। कर्नाटक में कौन सा? कन्नड़। केरल में कौन सा है? मलयालम।
कौन सा? ठीक है, मलयालम। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, तमिल की। तो तमिल में क्या है, तमिलनाडु में क्या है, तमिल है। उसके बाद बात करूँ मैं तेलुगु की, तो तेलुगु। ठीक है, ये अपना जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के नीचे क्या है, दो स्टेट आते हैं, एक आता है तेलंगाना और एक आता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये जो है यहाँ दोनों में क्या बोला जाता है, इस दोनों में। ठीक है, तो ठीक है, ये तेलुगु में यानी कि कहाँ, तमिलनाडु, और ये आंध्र प्रदेश, ये दोनों में क्या बोला जाता है, तेलुगु बोला जाता है। ये दोनों राज्य के क्या है, तेलुगु। ठीक, ये दोनों राज्य में क्या बोला जाता है, तेलुगु बोला जाता है। उसके बाद अपन इधर आएंगे, क्या है, उड़ीसा। उड़ीसा का क्या है, उड़िया। ठीक, लिया गया है। उसके बाद बंगाल है, बंगाल है, बंगाल का क्या है, बंगाली, बंगाली भाषा। उसके बाद ये असम वाला क्षेत्र है। ठीक, ये असम है, तो असम का क्या है, असमिया। ठीक है, असम वाले क्षेत्र में क्या है, असमिया है। इतने मूल संविधान में इतने भाषा थे। ठीक है, एक और छोटा है, वो क्या है, ये पंजाब वाला क्षेत्र है, पंजाबी। मूल संविधान में इतने भाषा थे। ठीक, ये राज्य के हिसाब से जोड़ा गया था। इसके बाद तीन भाषा और है जो मूल संविधान में था, क्या क्या नाम है, ठीक है, इसको अलग से याद रख लेना, हिंदी, संस्कृत और एक उर्दू। ठीक है, हिंदी, संस्कृत, उर्दू। हिंदी, संस्कृत, उर्दू। ठीक है, उसके बाद संविधान संशोधन हुआ है, अभी तक की भाषा के लिए 3 बार संविधान संशोधन हुए हैं, ये आपको याद हो गया होगा। 3 बार कौन कौन से संविधान संशोधन हुए हैं ये भी हम देखते हैं। ठीक, 21, 71, 92, 21, 71, 92। 21वां संविधान संशोधन जो हुआ था, ठीक, 71वां संविधान संशोधन, ठीक है, 92वां संविधान संशोधन, 21वां नंबर का संविधान संशोधन जो हुआ था वो हुआ था 1967। ठीक है, उसके बाद 71वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1992। ठीक है, 1992 में। फिर ठीक है, 92 संविधान संशोधन जो हुआ था वो 2003 में हुआ। ठीक है, 2003 में हुआ था वो। उसके बाद देखो, ठीक, अब 21वां नंबर का संविधान संशोधन हुआ, उसमें एक ही भाषा जोड़ा गया, वो कौन सा भाषा था जोड़ा गया, वो था सिंधी। कौन सा भाषा जोड़ा गया इसमें, ठीक है, इसमें कौन सा भाषा जोड़ा गया, इसमें सिंधी। ठीक, सिंधी किसी राज्य की भाषा नहीं है। ठीक है, सिंधी जोड़ा गया 21 में। उसके बाद 71 में 3 भाषा जोड़ा गया। ठीक है, 71 में 3 भाषा जोड़ा गया, कौन कौन सा, कोकनी। ठीक, उसके बाद मणिपुरी और नेपाली।
कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ठीक, तीन भाषा जोड़ा गया 71 में, 71 में तीन, ठीक है, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ठीक। उसके बाद 92, 92 संविधान संशोधन हुआ, इसमें चार भाषा जोड़ा गया था, कितना, चार भाषा जोड़ा गया था इसमें, कौन कौन सा चार भाषा है, ठीक है, पहले है बोडो, डोंगरी, बोडो, डोंगरी, ठीक है, मैथिली, संथाली, मैथिली और संथाली, चार भाषा जोड़ा गया। तो सिंधी जो है वो किसी राज्य की भाषा नहीं है। कोंकणी कहाँ की भाषा है, यह गोवा, ठीक, पहले नहीं था मूल संविधान, बाद में जोड़ा गया। उसके बाद मणिपुरी, ये त्रिपुरा है, ये मिजोरम है, ये उसके ऊपर मणिपुर है, ठीक है, ये तो यहाँ मणिपुर की भाषा मणिपुरी जोड़ी गई। नेपाली क्यों जोड़ा गया भारत में, क्योंकि नेपाल से जो हिस्सा ऐसे लगा हुआ, तो कुछ बोलते हैं नेपाली, तो नेपाली को भी जोड़ दिया गया, ठीक। बोडो कहाँ की है, ये भी असम का है, कहाँ का, असम का है। डोंगरी जो है कहाँ की है, ये जम्मू कश्मीर की है, ठीक है। उसके बाद मैथिली जो है वो कहाँ का है, मैथिली बिहार का है। और संथाली जो है वो राजस्थान की भाषा है। एक चीज़ और ना, मैं आपको एक भाषा और बताना भूल गया मूल संविधान में, ठीक है, मूल संविधान में एक भाषा और जोड़ना, वो है जम्मू कश्मीर की भाषा है, कौन सी है, कश्मीरी, ठीक। ठीक है, मूल संविधान में कश्मीरी भी थी, ठीक है, जम्मू कश्मीर की, ठीक है। उसके बाद ये डोंगरी को बाद में जोड़ा गया है, ठीक है। तो मूल संविधान में इतनी भाषा थी, ये भाषा को जोड़ा गया है। और कौन कौन सा भाषा कब कब जोड़ा गया है, कौन कौन सा संविधान संशोधन हुआ है, ये चीज़ याद रखना। तो 21, 71 और 92, तो सबसे पहले आप ये देखो, अगर आपको 21 और 71 दोनों याद हो जाते हैं, 21 कितने संविधान संशोधन हुए, इसके लिए एक, एक दो, एक तीन, तीन संविधान संशोधन हुए हैं। तो अगर आपको याद हो रहा है 21 और 71, तो दोनों को प्लस कर देना, 92 हो जाएगा, 1 1, एक और एक दो, 7 और 2 9, ठीक है। तो आप वैसे भी याद रख सकते हो, मतलब ऐसा 21 और 71 याद हुआ है, तो तीसरा अगर आप भूल जा रहे हो तो दोनों को ऐड कर देना, आ जाएगा, ठीक। छत्तीसगढ़ जो है, हमारी छत्तीसगढ़ी जो भाषा है वो संविधान में नहीं है, ठीक है। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के द्वारा, ठीक है, संविधान में जोड़ने के लिए प्रयास किया जा रहा है, और ये काम जल्द ही हो जाएगा, उम्मीद है हम लोग को जल्दी ये काम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हिंदी के लिए प्रश्न पूछा था, हिंदी में आया था कि कौन सी भाषा कौन सी भाषा संविधान में नहीं है, तो कौन सी भाषा संविधान में नहीं है, सब आपको बता दिया हूँ, ठीक है। हिंदी भी है, संस्कृत भी है, उर्दू भी है, इंग्लिश बस जो है क्या है, संविधान में अंग्रेजी नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान रखना भाई, ये चीज़ों को आप, क्या नहीं है, इंग्लिश नहीं है, ठीक। मूल संविधान में 22 भाषा है, 22 में से इंग्लिश नहीं है, हिंदी भी है, संस्कृत भी है, उर्दू भी है, सिंधी भी है, नेपाली भी है, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना, इंग्लिश नहीं है, ये चीज़ याद रखना आप, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे संविधान में कितने भाग हैं, 22 भाग है संविधान में, कितने भाग है, 22 भाग, और कितने अनुसूची है संविधान में,
12 अनुसूची, ठीक है, संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं, और अनुसूची कितने हैं? 12 है। तो हिंदी जो है कौन से भाग में है अगर पूछा, तो भाग, ठीक है, भाग 17 राजभाषा आयोग, ठीक है, भाग 17 क्या है? राजभाषा आयोग, ये हिंदी के लिए, ठीक। और अनुसूची कौन सी अनुसूची है? 8वीं अनुसूची है। 8वीं अनुसूची क्या है? भाषा। तो पूछा कि अगर भाग पूछा तो भाग 17 क्या है? राजभाषा आयोग, ठीक है, और अनुसूची पूछा तो अनुसूची 8 है। अनुसूची 8 क्या है? भाषा। ठीक है, तो अब हमको क्या पढ़ना है? भाग 17 हम चालू करते हैं, राजभाषा आयोग। इसमें जो अनुच्छेद है कहाँ से कहाँ तक कर है? 343 से 351 तक। अनुच्छेद जो है कहाँ से कहाँ तक कर है? 343 से 351 तक, ठीक है। आर्टिकल जो है 343 से 351 तक का आर्टिकल है, ठीक। सबसे पहले हमें जो जो चार आर्टिकल याद करने हैं, इसमें ज़्यादा याद नहीं करना है, जो जो आर्टिकल याद करने हैं वही वही बोलूँगा, वही वही बताऊँगा, वही वही याद करना। पहला है 343, क्या 343, 343 क्या है, ठीक है, 343 क्या है? संघ, संघ की राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी। संघ की राज, ठीक है, संघ की राज भाषा, ठीक है। 343 क्या है? संघ की राजभाषा, और संघ की राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी। 343 है संघ की राजभाषा, और इसमें लिखाया है कि राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी। क्या होगी? हिंदी होगी। तो संघ की राजभाषा क्या है भाई? हिंदी है। 343, 344, ठीक, 344 क्या है? राजभाषा आयोग, क्या? राजभाषा आयोग। ठीक है, राजभाषा आयोग। 344 क्या है? राजभाषा। 344 क्या है? राजभाषा आयोग। ये कहाँ की है? ये केंद्र की है, ठीक। अब 345, 345 क्या है? राज, क्या? राज्य की राज भाषा, राज्य की राजभाषा आयोग, ये केंद्र की है, और ये कहाँ की है? राज्य की। अब हमको एक आर्टिकल और देखना है, क्या है वो? 351, 351 क्या है? हिंदी भाषा को प्रोत्साहन, हिंदी भाषा को प्रोत्साहन, ठीक है। ये चार आर्टिकल आपको याद करने, इससे ज़्यादा आर्टिकल आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप संविधान पढ़ोगे, ठीक है, आपके सिलेबस में संविधान भी है, संविधान जब आप पढ़ोगे तो भाग 17 पढ़ना पड़ेगा। उसमें जो हिंदी के लिए है, जो मेन है, वो बता दिया हूँ मैं, ठीक है। तो आपको जो पढ़ाएंगे, सर पढ़ाएंगे आपको, तो वो बता देंगे पूरा। प्रथम
राज्य भाषा आयोग, प्रथम राज्य भाषा आयोग कब बना? 1955 में बना, लेकिन पूरा डेट क्या है इसका? 7 जून 1955। ठीक, प्रथम राजभाषा आयोग कब बना? 7 जून 1955। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष कौन थे इसके? पहले अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर। कौन? बीजी खेर पहले अध्यक्ष इसके थे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे विश्व हिंदी सम्मेलन। ठीक, क्या अब हम देखेंगे विश्व हिंदी सम्मेलन। ठीक, विश्व हिंदी सम्मेलन क्यों किया जाता है? विश्व स्तर पर हिंदी भाषा के प्रचार के लिए करते हैं। ठीक, अर्थात अगर बोला जाए तो हिंदी भाषा के विस्तार के लिए किया जाता है विश्व हिंदी सम्मेलन। तो विश्व हिंदी सम्मेलन भारत में भी कितनी बार हुआ है? भारत में 3 बार। ठीक, क्या? विश्व हिंदी विश्व हिंदी सम्मेलन, विश्व हिंदी सम्मेलन भारत में अभी तक कितनी बार हुआ है? 3 बार हुआ है। कितनी बार? 3 बार। ठीक, और कब कब हुआ ये भी देखेंगे हम। पहला जो हुआ है, पहली बार जो हुआ था कब हुआ था? पहली बार हिंदी सम्मेलन पहला हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? 1975 नागपुर में। कब? 1975 नागपुर में। ठीक, उसके बाद तीसरा। ठीक है, हिंदी सम्मेलन कब हुआ? तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन। ठीक है, पूरा विश्व हिंदी सम्मेलन है, हिंदी सम्मेलन ऐसे लिखे रहो, आप लिख लेना कॉपी में। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ? उन्नीस में हुआ था, दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1983 दिल्ली में। ठीक, उसके बाद 10वां हिंदी सम्मेलन जो हुआ था, ठीक है, 10वां नंबर का हिंदी सम्मेलन जो हुआ था भारत में हुआ था। कहाँ हुआ था? 2015 में भोपाल में। दसवां नंबर का हिंदी सम्मेलन जो हुआ था 2015 कहाँ? भोपाल में, मतलब एमपी में। ठीक, ठीक है, उसके बाद 11वां नंबर का हिंदी सम्मेलन। ठीक, 11वां नंबर का जो हिंदी सम्मेलन जो हुआ था ठीक है, 11वां नंबर का जो हिंदी सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 2018 में। कहाँ? 2018 में। ठीक है, 2018 में कहाँ हुआ था? मॉरिशस में। कहाँ हुआ था? मॉरिशस में, 2018 में हुआ था मॉरिशस में। अब ये देखो, ये जो 2015 में जो भोपाल में जो हुआ था हिंदी सम्मेलन, ठीक,
इस बैठक में बोला गया कि अब हिंदी सम्मेलन जो है प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार होगा। इस बैठक में क्या बोला गया, प्रत्येक 3 वर्ष में, 3 वर्ष में एक बार क्या होगा, हिंदी सम्मेलन होगा 3 वर्ष में। प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार हिंदी सम्मेलन होगा। 2015 में भोपाल में बैठक हुआ था, वहाँ ये सम्मेलन में बोला गया, जिसके बाद 2018 में हुआ। ये 12वां नंबर का हिंदी सम्मेलन। दो हजार इक्कीस में होना था, ठीक है, लेकिन हो नहीं पाया कोविड के नाम से। कौन सा, 12वां नंबर का हिंदी सम्मेलन 2021 में होना था लेकिन हो नहीं पाया। ठीक है, ये होना था 2021 में, भारत में होना था एमपी में, लेकिन हो नहीं पाया ये। तो अभी कितने हिंदी सम्मेलन हुए भारत में, 3 ही हिंदी सम्मेलन हुआ है। और एक बात और याद रखना, भारत की जो राजभाषा है वो क्या है, हिंदी है, तो मॉरिशस की भी राजभाषा हिंदी है। ठीक है, राजभाषा, अगर पूछा कि भारत के अलावा और कौन सा देश है जिसकी राजभाषा हिंदी है, तो मॉरिशस है।